इस वीडियो में आप देखेंगे ओल्ड वैगनर के लिए कुछ कार एसेसरीज, जिसके अंदर लगाए गए हैं सीट कवर, कर्टेंस, मैट और भी ऐसी छोटी छोटी कई कार एसेसरीज। सीट कवर लगने से पहले गाड़ी का क्या लुक था, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। ये ओरिजिनल सीटें हैं, इसके ऊपर जो सीट कवर लगाए हुए थे वो उतार दिए गए हैं। अब ये नॉर्मल सीटें हैं जो कंपनी से लग के आती हैं, वही वाली। सीट कवर लगने के बाद क्या डिफरेंस आएगा, आइए देखते हैं। इस डिज़ाइन का सीट कवर इस गाड़ी के लिए तैयार किया गया है, पर एज पर कस्टमर चॉइस इसका कलर चेंज कर दिया गया है। ऐसे ही आप किसी भी गाड़ी के लिए कोई भी डिज़ाइन सीट कवर का बनवा सकते हो। आइए आपको लगने के बाद दिखाते हैं एसेसरीज से क्या डिफरेंस आता है। ये इसके अंदर साइड कर्टन लगाए गए हैं, बिल्कुल प्रॉपर होते हैं मॉडल के हिसाब से, और ये अंदर की जो ये बिडिंग होती है इसके अंदर सिर्फ फंसते हैं। 2 मिनट का काम है लगाने का या निकालने का, आप खुद से लगा सकते हो, निकाल सकते हो। ये भी मॉडल के हिसाब से हर गाड़ी के बिल्कुल अलग होते हैं और हर गाड़ी के आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें लगाए गए हैं ग्रास मैट जो कि यूनिवर्सल होते हैं, किसी भी गाड़ी के अंदर लग सकते हैं। स्टेयरिंग कवर एक यूनिवर्सल आइटम है जो हर गाड़ी में कॉमन ही लगती है, आप किसी भी गाड़ी के अंदर इसको लगा सकते हो। एक ये डिक्की कर्टन जो मॉडल के हिसाब से हर गाड़ी का बिल्कुल अलग होता है, पीछे की साइड से भी पूरी कवरेज दे देता है। इसके अलावा इसके अंदर लगाया गया है एक आर्म रेस्ट और सीट कवर। सीट कवर आप अभी देखी हैं, बेज कलर वाला डिज़ाइन जो था उसी को हमने ब्लैक कलर के अंदर बना दिया गया है। और ये इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर बर्फी बनी हुई है और ग्रेस के लिए एक इसके अंदर सिल्वर कलर की लाइनिंग बना रखी है साइड में भी और बीच में भी, जिसकी वजह से सीटों का लुक काफ़ी चेंज हो जाता है। पुरानी गाड़ी होने के बाद भी लुक इसका काफ़ी अच्छा हो गया है और प्रॉपर वुडन आर्मरेस्ट सेंटर कंसोल के ऊपर लग गया है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। हर मॉडल का ये भी बिल्कुल अलग होता है, ओल्ड वैगनर का अलग आएगा, इससे अगली वैगनर जो है के सीरीज उसका भी अलग आएगा। तो ये पीछे की साइड से सीट कवर्स का लुक है और ये फ़ायदा है छोटी छोटी कार एसेसरी के लगाने का। सीट कवर लगने से गाड़ी की ग्रेस बिल्कुल अलग हो गई है, अंदर से एकदम इंटीरियर निखर के आ गया है, एकदम नया लग रहा है देखने में ओवरऑल। और ये बैक कर्टन, डिग्गी कर्टन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। पीछे से आर्मरेस्ट आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर है, प्रॉपर फिटिंग के साथ है और सीट कवर का लुक कुछ डिज़ाइन सारा का सारा सेम होगा, आगे वाली सीटों में पीछे वाली सीटों में वही होता है। सीट कवर के बैक साइड में पॉकेट बनी होती है सामान वगैरह रखने के लिए और वही डिज़ाइन जो है आपका बैक साइड के अंदर भी आ गया है। सेम पाइपिंग डली हुई है सिल्वर कलर की और उसके अलावा वही बर्फी वाला सेम डिज़ाइन। एक बार ओवरऑल इसको देख लेते हैं। इसके अंदर एक लगा है सीट कवर जिसकी कीमत अप्रोक्स 2500-2600 रुपये अभी चल रही होगी विद फिटिंग। नॉर्मल है लेकिन फिर भी फिटिंग इसमें अच्छी आ जाती है पुरानी गाड़ी होने के बाद भी, इनके रेट चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा इसमें जो आर्मरेस्ट लगा है वो 700-800 रुपये के बीच में उसका रेट अप्रोक्स रहता है विदाउट कोरियर चार्जेस। और एक इसमें गियर नोब के ऊपर सिलिकॉन कवर लगा है, करीब 100 रुपये की वैल्यू है उसकी। और स्टेयरिंग कवर की जो वैल्यू है वो भी करीब 100-150 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाता है। बात करें ग्रास मैट की तो 800-900 रुपये के अंदर 12 mm का ग्रास आपको आसानी से मिल जाता है।